और ये आमेर का किला है। ये तीनों किले यहाँ से नजर आ रहे हैं हवा महल से। ये देखो ये हवा महल के ऊपर टॉप पे खड़े हैं लोग। ये देखो ये मम्मी रखी हुई है असली चीज। ये जयगढ़ है ये वाला, और ये वाला आगे वाला आमेर फोर्ट है। अभी आमेर में जा रहे हैं। जयगढ़ सैनिकों के लिए था और आमेर राजा के लिए। ये असली की तोपें अच्छी असली की तोप होती है। आप भी चल जाएंगे। ये भी वो कितना बढ़िया लग रहा है यार। देखिए नजारा देखियो अनु देखियो। हेलो क्या नजारा है। है क्या प्लास्टर चढ़ाना पड़ेगा बच्चे के पैर में वो नहीं देख रही है दाशी। अगर मम्मी कचहरी हाँ क्या बोलना चाहते हो आप बताओ। इन दोनों को क्या सजा दी जाए बताओ। इन दोनों को जल्दी से इन दोनों को सजा दी जाए कि जल्दी जल्दी होटल ले जाए वापस और सोने दिया जाए बस। अच्छा और ये देखो अरे वाह ये कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा देख कुछ दिखाया नहीं। अरबी भाषा के इस शब्द का इस्तेमाल स्नान घर के लिए किया जाता था। सभी महलों के हमाम की मान्यता व्यवस्था हुआ। आमेर महल में दीवानी खास की उत्तरी दिशा में स्थित इस हमाम में राजा व राज परिवार के सदस्य स्नान किया करते थे। इसमें ठंडे व गर्म पानी के लिए अलग अलग खोज देखो मैं क्या शाही भाग में पानी गर्म करने के लिए कलात्मक चिमनी बनी हुई है। हमाम में जाने के लिए शीश महल से भी सीधा रास्ता है। शीश महल से सीधा रास्ता भी इसमें जाने के लिए ठीक है। शौच अच्छा ये तो पोटी करने का अच्छा जी बाटा देखो भाई ये होगा शायद नहाने का। ओ इतना बड़ा बाटा तो पहले का हाँ देख अच्छा ये स्नान है। ये स्नान तो खिड़की यहाँ से पानी वानी आता होगा ना। देख यहाँ से पानी वानी आता होगा ज्यादा पानी हो जाए तो यहाँ से निकल जाएगा है ना। तो ये बाथटब है साइड में होता है साइड में बहुत साइड साइड में वो उसमें पानी भरते थे यहाँ तक और फिर नहाते थे ठीक है। हाँ आ जाओ आ जाओ समर गिर मत जाना भाई क्या है शीश महल यही है क्या। शीश महल शायद यही है क्या यही शीश महल शीश महल
खड़ा है। और इसके ऊपर की नक्काशी इतनी अच्छी हो रखी है, नक्काशी ऊपर तो पुराने जमाने में देखते होंगे टॉर्चर मम्मा ने मेरे को भी नोचा था, तीन बार नोच दिया। देखो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, फिर मैं क्या करूं? नाखून काटते हैं सारे साथ। आज जा रहे हैं ना बराबर? जितने बड़े लोग उतने बड़े सुरंगे। अंडरग्राउंड ट्रेन। आ निकल जाता हूँ अभी। अंडरग्राउंड मेट्रो या अंडरग्राउंड ट्रेन बन गई। हाँ, आगे जाकर रास्ता बंद है। ओए, हम कढ़ाई। कितने लोगों को गिरा देते हैं? ओए कढ़ाई देखो भाई, कितनी बड़ी कढ़ाई है। दिखाइयो, खड़े हैं ना इसके साथ? फोटो किससे तुम्हारी? छोटी कढ़ाई भी कितनी बड़ी है? ये बड़ी कढ़ाई। बड़ी भूल भुलैया का खाना बनेगा तभी तो पूरा होगा। देखो गाइस, लगा देंगे इसको पूरा गांव। वो देखो चोटी पे एक किला बना हुआ है, देखो कितना बड़ा। और उसकी जो पूरी पूरी उसकी बाउंड्री चल रही है। हाँ, ये पूरी वॉल है, उसी की बाउंड्री चल रही है। वहाँ पे कोने में जाके एक और मंदिर है उन्हीं का। ये देखो मंदिर, मंदिर टाइप की है। और पूरी बाउंड्री देखो, यहाँ से पूरे वहाँ पे एक और मंदिर है। पूरी की पूरी बाउंड्री जा रही है वहाँ से, वहाँ से, यहाँ से, और यहाँ तक आ रही है पूरी की पूरी बाउंड्री। चल पहल, बोलो कि अगर आप इसमें नाचते तो कैसा लगता? ये बगुला कैसे निशाना बांध के बैठा है कि मछली आए और उसको अपनी मुंह में पकड़ो। समर्थ आप भी देख रहे हो, ये समर्थ भी है भाई। समर्थ आप भी देख रहे हो, बताओ क्या देख रहे हो? गंदी सी चीज। गंदी सी चीज क्या? स्मेल वाली। मुझे क्या कह रहा है? समझ में नहीं आई इसका नाम। जल महल क्यों पड़ा? नहीं, जल महल तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन ये महल जल में कैसे बन गया? क्योंकि पानी के अंदर कोई घर कैसे बन सकता है? क्या पानी के अंदर पुल भी तो बनते हैं ना? ये बन जाती है, पहले के जमाने में सब बन जाता है, अब भी बन जाता है। पहले के जमाने में इतनी मतलब नॉलेज होती थी। और यहाँ के जो राजा महाराजा थे ना, वो उस महल के अंदर रहते थे गर्मियों में, ताकि क्या टेक्नोलॉजी थी। इतने टाइम पुरानी चीज से कोई भी जल बन जाए। तो पहले की टेक्नोलॉजी है ना, सोचने वाली है। अगर तो से वो पुल बनाए होंगे तो पुल किसके होंगे? लकड़ी के, लोहे के? लोहा खा जाते हैं जंग, लकड़ी खा जाती है दीमक, या फिर लकड़ी गल जाती है। तो ये कैसे हुआ? पहले के लोग ना ऐसी लकड़ी लगती थी, गलती भी नहीं थी,
ऐसी लकड़ियाँ भी होती थी पहले। ये कौन से पेड़ होते थे? अब वो लकड़ियाँ खत्म हो गई। वाटरप्रूफ पेड़। देखो भाई पिंक सिटी आ गई है। ये देखो। ये देखो। पापा के फोन मेरे फोन की कॉल भी तो कर रहा है। पिंक सिटी। शिमला मनाली कुल्लू मनाली पिंक सिटी बाबू सबो ये सारा पिंक है पिंक सिटी है पूरी ये सारा पिंक है सारी पिंक है हम कौन सी सिटी में जाएंगे कहाँ जाएंगे अब हम कहाँ जाएंगे हवा महल जाएंगे अब क्या व्हाइट सिटी में जाएगा लाल सिटी में लाल सिटी में लाल सिटी उसके बाद लाल सिटी में जाएगा हवा महल जा रहे कहाँ जा रहे हैं हवा महल आशीष हवा महल हवा महल क्या है हम दोनों भी सेम सेम लग रहे हैं ना भाई है ना सफर हवा महल इसके अंदर और हम हवा महल आ गए ये देखो कितना बड़ा है 900 रानियों की 900 खिड़कियाँ 900 रानियों की 900 खिड़कियाँ ये हवा महल का नजारा है पूरा ये सवाल देखो कैसे देख रहा है ये पीछे का एरिया नजारा बेटा नजारा ये आसपास का पूरा हवा महल ये देखो हवा महल उधर से शुरू हो गया ये हवा महल पूरा है ये देखो कितना अच्छा लग रहा है पूरा हवा महल अभी ये कौन सी वाली थी कैसे सोएगी ये हवा महल के अंदर का नजारा ऐसे हवा महल अंदर से दिखता है ये कांच होता था या शीशे वो है प्लास्टिक है कांच था नु ये कांच है समर्थ हवा महल की खिड़की से देख रहा है और बाबा पूरी गर्दन बांध के निकाल ली समर्थ आजा ये वही स्पॉट है जहां हमने नीचे पड़े के चाय थी हवा पीछे देखो हां तो चलो देखो ये मुझे पुरानी औरतों वाली फीलिंग आ रही है यहां पे अभी यहां पे सीढ़ियां नहीं है ये देखो जैसे वो आप ही होता मॉल्स वगैरह में ट्रॉली नीचे उतारने के लिए आ जाओ पिछले किला नजर आ रहा है और ये देखो ये टॉप है इसका हवा महल का वो देखो पापा वो ब्रिज है सामने वो बड़ा वो देखो सामने काय ब्रिज अरे वो सामने जो सीढ़िया टाइप है वो सीढ़िया क्या बना रखे जंतर मंतर है वो ओ जंतर मंतर ये वाला जो किला है ये वाला ये नारगढ़ है और ये वाला जो किला है ये कौन सा जयगढ़ है ये जयगढ़ है और ये आमेर का किला है ये तीनों किले यहाँ से नजर आ रहे हैं हवा महल से नारगढ़ जयगढ़ और आमेर ये तीनों किले हैं है ना
ये जंतर मंतर है सामने, ये तो बहुत ऊंची सीढ़ी टावर, ये वाला जंतर मंतर है, ये यहाँ पे पब्लिक घूम रही है। ये हवा महल के कोप से हम व्यू ले रहे हैं। हवा महल से टॉप का व्यू, चार का पहाड़ी एरिया, ऐसे गोल घूम के वापस वहीं आ जाते हैं। चारों का पहाड़ी एरिया ये, ये देखो ये हवा महल के ऊपर टॉप पे खड़े हैं लोग। ये फाउंटेन चल गया, लड़का 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 कितना नहीं है, इतना बढ़िया फाउंटेन लग रहा है। सब फाउंटेन पहले वाले के बने हुए हैं भैया, पहले के बने हुए हैं। हां पहले के बने हैं सारे, पहले किसने कलर दिया? हां देखिए बड़ा अच्छा अच्छा जो ये मूर्ति पड़ गई थी इनको दोबारा भी बनाएंगे, पुरानी की पुरानी प्राचीन की प्राचीन है। और एरावत हाथी इसके ऊपर सवार है इंद्र इंद्राणी, बहुत प्राचीन मूर्ति बनी हुई है, बहुत अच्छे तरीके से एरावत हाथी का सबने सुना होगा, दिल्ली का एरावत हाथी की मूर्ति जो पुरानी बनाई गई है। और यहाँ वहाँ के जो नर नारी उस समय के थे उनके चित्र है, और जैसे चित्र में अगर कुछ खराब हो गया मूर्ति में या नहीं जो है तो उसको दोबारा नहीं किया गया, वो प्राचीन रूप से वैसे की वैसे स्थापित है। और ये देखो फोटो, ये देखो बाबू, देखो पोर्ट्रेट, एल्बर्टन म्यूजियम। आओ ये देखो, ये देखो ये हुक्का 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 हुक्का, ये पुराने जमाने में हुक्का पीते थे। हाँ उसमें तो पेड़ उग गए। हाँ भैया हुक्का बोलते थे इसको, इसमें वो भरते थे हम। हाँ हुक्का इसमें वो दारू पीते थे, वो सुराही रखी ना सर दारू पीने की, ये हुक्का पीते थे हुक्का सब। हाँ देख ये लिखा हुआ, देख ताशी खाली लग रही है ना, खाली लग रही है, पानी श्री कृष्ण के साथ सुमा प्रदेश अपने उत्तम बर्तनों में। ये चाइनीज है बाबू, ये चाइनीज है, जापानीज और जापान का है। हाँ बेटा है बोलो क्या कह रहे हो। ये देखो ये तो अच्छा है, स्टैंडिंग बुद्धा कहाँ बोला गया, तीसरे पे स्टैंडिंग बुद्धा, अच्छा ये रहे स्टैंडिंग ऊपर, ये पॉट्स है, ये पॉट्स है, प्लेट्स है। हाँ ये देखो जो प्लेट होती है और ऊपर मेरे प्लेट है इसे नंबर वाली, अच्छा फिल्म। बलुए पत्थर के मूर्ति मान मंदिर घट वाराणसी से, ये 8वीं शताब्दी शताब्दी, बहुत पुरानी मूर्ति है ये। आठवीं शताब्दी
को ही लाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ आठवीं शती की है, आठवीं शती की है। ये तीर कमान है, धनुष तीर कमान। ये देखो ये अच्छा, ये भी सुंदर चला। उन दोनों को कपड़ा आप करने दें, दोनों बच्चों के लिए तो दोनों खुश रहेंगे। ये देख, ये अलग अलग तरीके से क्योंकि तलवार के अंदर जो पकड़ने का है ना वो हैंडल, उसको हैंडल कहते हैं। बैग रखे हाँ, सब सोते थे कैसे पे? देख कालीन लिखा ना, इनके ग्लासेस 1:30 बजे वापस लेकर चले। ये देख, ये मम्मी रखी हुई है असली की, असली का आदमी कहा था, बहुत कई हजार साल असली का है। हाँ ये मॉम दी मम्मी असली की बेटा, ये आदमी जब डेथ हो गया यहाँ से जाना मना। देखो घोल घोलक देख कितना बड़ा, देख क्या बजाने वाले सारे कितना बड़ा गिटार देख। हाँ रे हाँ भाई, बस छुप जाएगी। सिक्के सिक्के
मैं यहीं पर ही हूँ। और हमने अपर वाली बोली है, क्या नाम है, स्लीपर, अपर वाला स्लीपर लिया। और यहाँ हमने अपना पूरा घर सजा लिया है। हाँ, और आपको सामने का नजारा दिखाते हैं। आप बाहर का नजारा दिखाते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखो, और ये देखो, ये बंद नहीं हो रहा। अरे और ये ताशी ने इसको पूरा बंद कर दिया है और ये लॉक कर दिया और ये हमारा पूरा रूम बन गया है। नहीं, अभी नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बेस्ट तरीका है सफर करने का।